संगम नगरी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के बाद अब एक और बीजेपी शासित राज्य में एक बड़े शहर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अब राजधानी शिमला का नाम बदलने के बारे में सोच रही है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले शिमला का नाम श्यामला था और अब राज्य सरकार से शिमला के पुराने नाम को वापस लाने की मांग की जा रही है। सरकार इस कदम पर आगे बढ़ने से पहले लोगों से राय लेगी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलने के लिए दक्षिण पंथियों में शिमला के नाम को भी बदलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के मुताबिक नाम बदलने में कोई नुकसान नहीं है। शिमला नाम अंग्रेजी हुकूमत की पहचान है। साल 1864 से आजादी तक शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल रहा था, यानी गर्मियों के सीजन में अंग्रेज शिमला से ही सारा कामकाज संभाला करते थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शिमला का नाम बदलने की मांग की गई हो। बीएचपी पिछले कई सालों से इसकी मांग करती आ रही है। आरएसएस का कहना है कि अंग्रेजों का दिया ये नाम गुलामी मानसिकता का प्रतीक है, लेकिन साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ये कहकर इसे खारिज कर दिया था कि शिमला को पूरी दुनिया में लोग पहचानते हैं और इसकी अपनी एक जगह है। दरअसल अंग्रेज श्यामला के नाम का सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिसके बाद इसका नाम शिमला कर दिया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल।